पिछले दिनों में हमारे देश के आम लोगों में एक दूसरे के साथ भाईचारगी और कोऑपरेशन के कई खूबसूरत नजारे दिखाई दिए। अब भी कुछ लोग ऐसे हैं जो मुस्लिम्स के खिलाफ नफरत फैलाने का कोई मौका जाने नहीं देते। हम इन लोगों से बुनियादी सवाल पूछते हैं, आखिर इंडियन मुस्लिम्स का दोष क्या है? शुरुआत करते हैं इंडियन मुस्लिम्स के रिलीजियस बिलीफ से। इंडियन मुस्लिम्स जिस रिलीजन को फॉलो करते हैं वो रिलीजन है इस्लाम। आखिर इस्लाम की बेसिक तालीमात क्या है? क्या इस्लाम की कोई भी ऐसी तालीम है जिसे हम दोषी ठहरा सकते हैं? आइए देखते हैं। इस्लाम ये सिखाता है कि सारे इंसानों का एक ही मालिक है, वही हम सबको बनाने वाला है, वही इस कायनात को चलाने वाला है। अच्छा बुरा, जिंदगी मौत, बीमारी शिफा, रोजगार औलाद, सब चीजें उसी के हाथ में है। वो एक अकेला है, उसका कोई हिस्सेदार नहीं। वो हर एतबार से परफेक्ट है, उसमें कोई कमी नहीं, उसके जैसा कोई नहीं। जब सब चीजें उसी के हाथ में है, जब हर चीज का बनाने वाला, मालिक और चलाने वाला वही है, तो हमारी सारी इबादत, बंदगी, वर्शिप, सब चीजें उसी के लिए होनी चाहिए। एक इंसान दूसरे इंसान की इबादत ना करे, हम क्रिएशन की वर्शिप ना करें बल्कि क्रिएटर की वर्शिप करें। आप ही बताइए इसमें क्या गलत है? हम ये मानते हैं कि ऊपर वाले ने सही रास्ता बताने के लिए प्रॉफिट्स, मैसेंजर्स, मार्गदर्शक भेजे जिन्होंने इंसानों को सही रास्ता बताया। हम सिर्फ एक मैसेंजर नहीं बल्कि सारे के सारे मैसेंजर्स पर ईमान लाते हैं और आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी। उन्होंने हमें जीने का तरीका सिखाया। जब दुनिया अंधेरों में थी उन्होंने समाजी बुराइयों को दूर किया। जब बेटियों को जिंदा दफन किया जाता था उन्होंने बेटियों की परवरिश पर जन्नत की खुशखबरी दी। जब औरतों पर जुल्म किया जाता था उन्होंने जुल्म करने से रोका। जब औरतों के कोई फाइनेंशियल राइट्स नहीं थे उन्होंने उन्हें प्रॉपर्टी राइट्स और फाइनेंशियल राइट्स दिलवाए। गुलामों के साथ तो जानवरों से बुरा बर्ताव किया जाता था, उन्होंने गुलामों को हुकूक दिए, गुलामों को आजादी का रास्ता दिया। दुश्मन थे लोग, एक दूसरे के साथ जंगे लड़ा करते थे, उन्होंने उन्हें भाई भाई बना दिया। शराब रोका, जुआ रोका, चोरी मत करो, धोखा मत दो, भरोसा मत तोड़ो, रिश्वत ना दो, उन्होंने इंसाफ करना सिखाया। उनका खुद का कैरेक्टर, उनकी सच्चाई, उनकी पूरी जिंदगी गवाही देती है कि वो अल्लाह के सच्चे रसूल थे। हमने उन पर ईमान लाया है, हम उनसे मोहब्बत करते हैं, उन्हें बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, इसमें क्या गलत है? हम ये मानते हैं कि कुरान अल्लाह की किताब है, एक अनचेंज बुक जिसकी हिफाजत खुद अल्लाह करता है। कुरान सारे इंसानों के लिए है, सिर्फ मुस्लिम्स के लिए नहीं। ये किताब इंसानों को अपने मालिक की तरफ दावत देती है। हर जमाने और दौर के लिए इंसानों के प्रॉब्लम्स का सल्यूशन है इस किताब में। इसमें कोई ऐसी बात नहीं जो इंसान के नेचर के खिलाफ है, समाज की भलाई के खिलाफ है। इसमें यही सिखाया गया है कि सारे इंसान बराबर है, सब इंसान आदम की औलाद है, इस तरह से दूर दूर के रिश्तेदार हैं। इसमें सिखाया गया है अपने पड़ोसी के साथ अच्छा सलूक करो, चाहे वो किसी भी मजहब का क्यों ना हो। एक मासूम की जान बचाना ऐसा है जैसे सारे इंसानों को बचा लिया, और कोई एक मासूम को मारना ऐसा है जैसे सारे इंसानों को मार दिया। यतीमों पर जुल्म ना करो, रिश्तेदारी कायम करो, माँ बाप बूढ़े हो जाओ तो उन्हें उफ तक ना कहो, कोई बुरा भी करे तो उसका अच्छा करके जवाब दो। हमने इस किताब पर ईमान लाया है, इसमें क्या गलत बात है? हम ये मानते हैं कि मरने के बाद जिंदगी है, हम सबको जिंदा किया जाएगा और पूरा पूरा हिसाब किया जाएगा। जिसने हमें पहली बार बनाया उसके लिए फिर से बनाना कोई मुश्किल बात नहीं। एक दिन है कयामत का दिन, जिस दिन सारे इंसान अपने मालिक के सामने खड़े होंगे, तराजू में उनके कर्म तौले जाएंगे। जहां अच्छे कर्म ज्यादा निकले तो जन्नत मिलेगी, जहां रियल खुशी है, और अगर बुरे कर्म ज्यादा निकले तो जहन्नम की आग, जहां जो किए उसी की सजा मिलेगी। कोई हमें देख रहा है या नहीं देख रहा है, ऊपर वाला हमें देख रहा है और हमारा हिसाब तैयार हो रहा है। और कयामत के दिन चाहे अल्लाह का हक हो या बंदों का हक हो, एक दूसरे पर पूरा पूरा इंसाफ किया जाएगा। आप खुद बताओ, जो दीन ये सिखाता है
वो कैसे किसी का बुरा सिखाएगा। इबादत में हम ये मानते हैं कि दिन में 5 वक्त नमाज पढ़ना है। जो शख्स सच्चे दिल से अपने सर को अपने मालिक के आगे झुका दे, उसमें घमंड नहीं हो सकता, वो लोगों के साथ बुरा नहीं कर सकता। उसकी नमाज उसे रोकेगी बुराइयों से, उसकी नमाज उसे रोकेगी बेहयाइयों से। जब कंधे से कंधा मिलाकर लोग खड़े हो जाते हैं तो उनके बीच कोई ऊंच नीच नहीं रहती। आप खुद बताओ इसमें क्या गलत है। हम ये मानते हैं कि जिसके पास पैसा है उसे अपने माल का 2.5% ज़कात के तौर पर गरीबों को हर साल देना है, इसमें क्या गलत है। हम ये मानते हैं कि साल में 1 महीना ऐसा है जिसमें हमें पूरा दिन रोजा रखना है, ताकि जिस चीज से गरीब लोग रोज गुजरते हैं उस चीज से एक बार जब 1 महीना एक इंसान गुजरेगा वो उनके उस दर्द को खुद महसूस कर सकता है। आप बताइए इसमें क्या गलत है। हम ये मानते हैं कि जिसके पास पैसा है उसे हज करने तो जाना चाहिए, जहां सारे इंसान चाहे अमीर हो या गरीब हो, बादशाह हो या फकीर हो, वही लिबास में होंगे और वो उसी काबे का तवाफ करेंगे। इस घर के रब की इबादत करो, ये बात उन्हें सिखाई जाती है, इसमें क्या गलत है। आप खुद बताओ कि जो मजहब ये सारी तालीमात देता है, क्या वो मजहब किसी पर भी जुल्म या नाइंसाफी करना सिखा सकता है। जहां तक मजहबी तालीम का सवाल है, वहां पर तो हम ये बात कह सकते हैं कि इंडियन मुस्लिम्स जिस मजहब पर चलते हैं उसमें तो कोई दोष नहीं। आपको क्या लगता है जरूर कमेंट्स में बताएं। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पर कायम एक अच्छी सोसाइटी बनाने के लिए, नफरतों और गलतफहमियों को दूर करने के लिए इस वीडियो को जरूर शेयर करें। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको हमारी वीडियोस की मालूमात जरूर मिलती रहे। इस तरह की और वीडियोस बनाने में हमारा साथ दें, जरूर आईप्लस टीवी को डोनेट करें। इसी के साथ इजाजत लूंगा, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम। ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करें, आईप्लस टीवी को जरूर डोनेट करें।